वेल हेलो दोस्तों, बुजुर्गों मैं हूं आसानुर रहमान, आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल जुबींगर्ग मोटर क्रैश में स्वागत है। सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा अपडेट के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी। दोस्तों मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूं टाटा एसी का जो हैंड पंप हैंड पंप का चलते चलते क्यों यार लेता है इंजन यार लेता है टाटा सी जी प्यार लेता है ये इसके बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों देख लीजिए, ये प्लास्टिक का जो यहाँ पर रोबर लगा हुआ रहता है वो टूट गया है, इसलिए ऐसा हो सकता है। इसलिए मैंने जो पहले देखा है इसी तरफ से वो उसको लगाऊंगी। ये तो टूट गया है, देख लीजिए, और ये प्लास्टिक भी टूट गया है, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। दोस्तों देख लीजिए मेरा वीडियो लास्ट तक, कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर देना, और नहीं आए तो मेरा चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों को मिलते रहेगा। दोस्तों देख लीजिए, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ मेरा वीडियो, और आप लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, और आप लोग लाइक कर दीजिए। आप लोग जितना लाइक करेगा उतना मुझे वीडियो बनाने का मन करेगा, जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए। दोस्तों देख लीजिए, ये फिटिंग करूँ की यहाँ पर ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हैंड पंप का प्लास्टिक है, अंदर रहता है, इसको फिटिंग करेंगे, और ये है डायफ्राम किट, हैंड पंप का किट है ये, इसको हम फिटिंग करेंगे। और जो ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग इसके अंदर से रहता है और इसमें फिटिंग रहता है, इसके अंदर रहता है। दोस्तों इसे फिटिंग करना है, मैं दूसरी वीडियो में दिखाऊँगी। आज के ऐसे देख लीजिए, दो हैंड पंप मिलकर एक फिटिंग कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं वीडियो को लास्ट तक।